तो ये कैसे काम करता है, उसमें कितने किस्म के एक्सपेरिमेंट्स हम यहाँ पे इसको और उनका देखते हैं थोड़ा सा। तो अगर हम चेक करें, एक पिंक का जो पैकेट आता है हमारे पास, उसमें हर लेयर के हेडर्स होते हैं। इसके अंदर डेटा लिंक लेयर का हेडर भी होगा, नेटवर्क लेयर का भी होगा यहाँ पे, फिर ICMP का अपना भी हेडर होगा, और फिर पेलोड भी होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि जो पेलोड होता है आपके पास, पेलोड यहाँ पे ऑप्शनल है। तो पेलोड अगर आप ना भी भेजें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉर्मली आपके पास 32 bytes का यहाँ पे एक रैंडम सा स्ट्रिंग होता है, वो एज ए पेलोड जा रहा होता है। तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हमें मिल जाती है यहाँ पर, तो आपको ये पेलोड की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हम वहाँ अगर नॉर्मल अगर पिंग करें, तो क्वेश्चन ये कि अगर हम नॉर्मल एक पिंग की कमांड यूज़ करते हैं CMD विंडो के अंदर, तो उसके अंदर क्या पेलोड डेटा ज़्यादा होगा? क्या नल कैरेक्टर्स जाते होंगे, या खाली स्पेसेस जाते होंगे, या कोई रैंडम जाता होगा? तो पहले हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि अगर हम एक नॉर्मल पेलोड सेंड करते हैं तो उसमें क्या चीज़ हमारे पास जा रही होती है। तो उसका तरीका ये कि हमने जाके वायर सॉर्ट के ऊपर ICMP लिखना है यहाँ पे, और उसके बाद नॉर्मल एक CMD की विंडो खोल कर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पे ping.ist.edu.pk, तो अब देखें यहाँ पे आपके पास ये पिंग के पैकेट्स जा रहे हैं। तो एक दफ़ा मैं देखता हूँ कि ये जो आपके पास पैकेट यहाँ पे गया है, इसमें डेटा में पेलोड में क्या चीज़ गई हुई है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली ये ABCDEFGH सारी उसने ABC यहाँ पे काउंट की हुई है, A से लेकर W तक। उसके बाद दोबारा से ABC काउंट करनी शुरू की हुई है। तो ये A to W उसने काउंट किया है यहाँ पे, उसके बाद दोबारा A से I तक काउंट किया हुआ है। तो ये एक तरह का रैंडम सा स्ट्रिंग है यहाँ पे, यानी कि काउंटिंग बेसिकली यहाँ पे हो रही है 61 से लेकर यहाँ पे 77 तक हेक्स में, जो कि ABCD बनती है आपकी सारी। उसके बाद 61 दोबारा से रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपके पास जो रैंडम स्ट्रिंग है यहाँ पर पेलोड की जो हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली वो क्या होगा यहाँ पे, आप यहाँ पे ये सारी ABCD वगैरह यहाँ पे आपके पास आ रही है। तो आप चाहो तो उसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आप यही ABCD लिखो, तो ये सिर्फ विंडोज़ का जो पिंग के जो कमांड है यहाँ पे वो ये काम करती है। तो बाकी सबकी मर्जी की जो मर्जी पेलोड यहाँ भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल A से लेके W तक कैरेक्टर्स जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमें C# के अंदर पिंग को इम्प्लीमेंट करना हो, क्या हम चाहते हैं कि अपने कोड के अंदर पिंग कर सकें, तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है। आपके पास एक पिंग की लाइब्रेरी यहाँ पे, तो पिंग क्लास की एक आपने ऑब्जेक्ट बना ली नहीं यहाँ पर, तो एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लिया आपने। उसके बाद फिर पिंग के रिप्लाई के लिए भी आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको ये अगर आपने पिंग का रिस्पॉन्स रीड करना है तब आपको चाहिए। अगर आपने खाली पिंग करना है, उसका रिस्पॉन्स रीड नहीं करना, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर आपने क्या किया, हमने यहाँ पर पिंग सेंडर, यानी ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसके अंदर हमने ये मेथड यूज़ किया डॉट सेंड का यहाँ पर, और हमने जो फर्स्ट यहाँ पे पैरामीटर पास किया, बेसिकली ये आपके पास यहाँ पे URL है जिसको आपने पिंग करना है। और आगे हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, हम बता रहे हैं कि टाइम आउट क्या होगा इसका, तो हम कितने टाइम तक हमने इसका वेट करना है रिप्लाई का। तो यहाँ पे हमने इसका टाइम आउट बता दिया यहाँ पे, और फिर ये इसका जो रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे रिप्लाई बैक जो आएगा वो कौन सी टाइप का होगा, वो बेसिकली आपके पास पिंग रिप्लाई की टाइप का होगा। तो अगर आपको रिप्लाई रीड करना है तब हम ये यूज़ करेंगे, वरना खाली हम पिंग सेंडर को यूज़ कर लेंगे, तो इक्वल नहीं करेंगे, खाली उसको कॉल कर रहे होंगे। उसके बाद फिर हम चेक करते हैं कि रिप्लाई का स्टेटस क्या है आपके पास, क्या सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा। अगर सक्सेसफुल रहा है तो क्या करेगा, ये आपके पास प्रिंट कर देगा कि एड्रेस क्या था बेसिकली यहाँ पर, फिर RTT का टाइम क्या मिला आपको यहाँ पे, टाइम टू लिव क्या है यहाँ पर, डोंट फ्रैगमेंट फ्रैगमेंट किया कि नहीं किया उसने, और बफर साइज़ कितना रहा है यहाँ पर। तो ऐसा करते हैं, हम इसको सब पूरा कोड को यहाँ पर चला के देखते हैं, और फिर इसको कंपेयर करते हैं नॉर्मल पिंग से कि इसमें और नॉर्मल में क्या फ़र्क है।
तो जब तक ये लोड करता है हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे कि सबसे बड़ा जो फ़र्क नज़र आएगा आपको कि जब हम यहाँ पे पिंग करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 4 दफ़ा ही रिपीट करता है काम को, तो ये 4 दफ़ा डिफरेंट टेस्ट किस्म के पैकेट्स भेजेगा, लेकिन हमारे कोर में खाली एक पैकेट जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 4 पैकेट्स जा रहे हैं, फिर उन 4 पैकेट्स को क्या करता है, मैक्सिमम निकालता है यहाँ पे, मिनिमम निकालता है यहाँ पे, एवरेज निकालता है यहाँ पे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक ही पैकेट भेज रहे हैं कि हमने खाली एक दफ़ा यहाँ पे सेंड किया हुआ है। तो ये एक तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। चाहे तो हम भी 4 दफ़ा कर सकते हैं लेकिन हमने किया नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये देखिए हमारे कोड के अंदर यहाँ पे सब कुछ प्रिंट हो गया हुआ है कि आईएसटी का एड्रेस ये है, इसका आरटीटी टाइम उसने 1 बताया यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ भी आपके पास फर्स्ट 1 ही आया हुआ है यहाँ पे, 1, 2, 3 के आसपास आ रहे थे, भी 1 आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। टीटीएल मैक्सिमम टाइम आउट जो 61 यहाँ पर रखा गया हुआ था यहाँ पर। फिर डोंट फ्रैगमेंट के ऊपर हम आते हैं कि डोंट फ्रैगमेंट का मतलब क्या है। बफर साइज 32 बाइट्स का हमने यूज़ किया बाई डिफॉल्ट, वही जो कि रैंडम से फिल कर रहा होता है। तो ज़रा आप देखते हैं कि इस दफ़ा के इसने इसको किस चीज़ से फेल किया है, क्योंकि अब हमने अपना कोड यहाँ पे यूज़ किया, तो हम देखते हैं कि इस दफ़ा हमने क्या बफर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, उसको किस चीज़ से हमने फेल किया हुआ है। तो यहाँ भी देख लो आपके पास उसी तरह उसने वो ABCD से ही फेल किया हुआ है बाई डिफॉल्ट। तो अगर आप चाहो तो ये बफर वाली वैल्यू यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास मज़ीद ऑप्शन आती हैं यहाँ पर अगर कॉल करते हुए। अगर हम यहाँ पर ये लिखा हुआ कि आगे बाइट बफर पूछा हुआ है यहाँ पे, तो आप चाहो तो अपना बफर यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको ABCD के अलावा कुछ और यहाँ पे भेजना है पेलोड के तौर पे, तो आप वो लिख दो यहाँ पे, तो आपका वो वाला ट्रांसमिट हो रहा होगा, बाइट डिफॉल्ट ABCD नहीं यहाँ पे जा रहा होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे पिंग को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक डोंट फ्रेगमेंट वाली बात को थोड़ा सा होल्ड करते हैं, इसके ऊपर बाद में आएंगे हम। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक पिंग वाले फंक्शन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी से रेलिवेंट एक आप लोगों से क्वेश्चन है कि हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। हम क्या एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, हम ऐसे सपोज करो कि हम एज ए पेरेंट हम पेरेंट हैं और हम चाहते हैं कि अपने बच्चों पर नज़र रख सकें कि घर पे बैठ के वो कब कब अपना फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, कब नहीं यूज़ कर रहे होते, कि क्या वो पढ़ाई के दौरान फ़ोन तो नहीं यूज़ कर रहे। तो ये हम चेक करना चाहते हैं कि हम उनके ऊपर एक थोड़ी सी उनको ट्रेस पैक कर सकें यहाँ पर, कब कब अपने फ़ोन को हाथ लगा रहे हैं, इस पर गेम्स खेल रहे हैं, नेट यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे यूज़। तो हम यहाँ पर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। तो किसी के दिमाग में कोई आइडिया आता है ये हम कैसे पॉसिबल है ये काम करना, कि हम इनके पास स्पाई कर सकें कि फ़ोन यूज़ करें या नहीं करें। तो ज़रूरी नहीं वो व्हाट्सएप यूज़ करें, वो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक तो हमें पता है कि वो एक वो सारे के सारे वाईफाई से कनेक्टेड होंगे घर पर, और जब वाईफाई से कनेक्टेड होंगे सबके पास एक यहाँ पर एक अपना अपना IP एड्रेस होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या यहाँ पर हमारे पास हाइपोथेसिस यहाँ पर क्या है, हम कह रहे हैं कि अगर हम उनके IP एड्रेस को पिंग करेंगे तो उसके रिस्पॉन्स से हम बता सकते हैं कि वो फ़ोन को यूज़ करें या नहीं करें। कैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम उनके IP एड्रेस को पिंग करें, तो घर पे आप किसी के अगर फ़ोन को पिंग करते हो उनके IP एड्रेस को, तो क्या होगा कि आपका जो RTT टाइम होगा वो ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर आपका फ़ोन जो है स्लीप मोड के ऊपर है। तो अगर मेरे फ़ोन को लॉक किया हुआ बंद पड़ा हुआ है, उसको मैं यूज़ नहीं कर रहा, तो उसका RTT टाइम बहुत ज़्यादा होंगे। और अगर मैं फ़ोन को एक्टिवली यूज़ कर रहा हूँ तो आपका जो RTT टाइम जो होगा वो तकरीबन 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, 1 यानी 4 टाइम्स कम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो कि हम फ़ोन पे कर सकते हैं घर पे, देखने के लिए कि फ़ोन यूज़ कर रहा है एक्टिवली या फ़ोन नहीं यूज़ कर रहा है या वैसे इसका पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो सपोज़ करो मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह से हम करेंगे। तो सपोज़ करो मैंने घर के एक IP के ऊपर पिंग की है, तो ये देख सकते हो कि 192 की सीरीज़ है। तो ये घर का अपना यहाँ पे IP एड्रेस, ये आपके पास जो लैंड का है वो वाला IP एड्रेस यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने 1.4 को पिंग किया यहाँ पर,
तो अभी आप देखो कि आपके पास RTT का मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे, 50 है, 44, 71 और 78, यानी कि हमारे पास यहाँ जो एवरेज आ रही है 60 के अराउंड आ रही है यहाँ पे, और मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे 44 और 78 है यहाँ पे। तो अभी देखो कि अभी इसी IP एड्रेस के आपके पास 44 से लेके 78 के दरमियान में रिस्पॉन्स टाइम्स आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, हम कहने के ये क्योंकि RTT कम है, तो हम कहते हैं कि इसका मतलब एक्टिवली फ़ोन यूज़ हो रहा है यहाँ पे, इनके RTT यहाँ पे लो है। अच्छा, अब हम देखते हैं दूसरा केस, जब आपका फ़ोन यूज़ नहीं हो रहा होता, उसको अगर हम पिंग करेंगे तो फिर कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आपको। तो अब हम दोबारा उसको पिंग करें तो इस बार देखो आपके पास रिस्पॉन्स आया 220 मिली सेकेंड्स, 273 मिली सेकेंड्स, 360, 500। तो इस पर अगर हम देखें इसका वेक्टर, तो मिनिमम मैक्सिमम वेक्टर देखें 220 से लेके 500 तक आपके पास यहाँ पे जा रहा है। तो ये 220 से लेके 500 तक पहुँच गया, और इसकी जो एवरेज है यहाँ पे 338 पे आई गई यहाँ पे। तो प्रीवियसली कितनी थी हमारे पास, 4478 थी, लेकिन इस बार हमारे पास 220 500 हो गई है। तो जब भी आपके RTT घर के नेटवर्क के अंदर इतने ज़्यादा हाई हो जाएं, हालांकि आपको पता है कि सिंगल हॉप अवे है वो, यानी एक हॉप का डिस्टेंस है इस फ़ोन से, क्योंकि आप क्योंकि आपका अगर लैपटॉप से काम कर रहे हो तो आपका लैपटॉप राउटर के साथ जाएगा, वहाँ से उस फ़ोन के पास आ जाएगा, यानी कि राउटर से खाली एक हॉप का फ़र्क है इस फ़ोन का, तो बहुत करीब पड़ा हुआ। तो फिर भी अगर इतने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाई अगर आपको RTT मिलते हैं, इसका मतलब क्या है कि इस फ़ोन आपका फ़ोन स्टैंड बाय पे पड़ा हुआ है, और फ़ोन की CPU प्रोसेसिंग पावर काफ़ी स्लो की हुई है, इसलिए आपको इतनी देर से रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे। तो इसको देखिए, हम बता सकते हैं कि इस पर एक्टिवली फ़ोन यूज़ नहीं हो रहा। अच्छा, तो अब यहाँ पे आता है कि अगर हमने इस चीज़ का कोड लिखना हो कि हम चाहते हैं यहाँ पे प्रोग्राम बनाएं जो कि हमें अलर्ट, जिस प्रोग्राम के अंदर हम एक IP एड्रेस एंटर कर दें कि आपने एक IP एड्रेस बता दिया उसको, और उसके बाद प्रोग्राम क्या करेगा, आपको अलर्ट कर देगा कि अभी फ़ोन एक्टिवली यूज़ हो रहा है, कि अभी इन्होंने फ़ोन के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया हुआ है, कि फ़ोन एक्टिव। और जब फ़ोन डीएक्टिव होगा, दोबारा से प्रॉम्प्ट आ जाए आपके पास कि फ़ोन अब इनएक्टिव हो चुका है। सर जी, सर जब फोन डीएक्टिव हो तो सर 1/4 वाला सर रूल यूज नहीं हो रहा उसमें सर, वो तो 2 ms 3 ms आ रहा है, और फोन इनएक्टिव हो तो सर 800 900 1000 प्लस आ रहा है। सॉरी, आपके फोन में क्या हो रहा है? सर जब फोन का एक्टिव होता है ना, तो उसका जो पिंग टाइम आ रहा है वो आ रहा है 5 ms 2 ms और 6 ms, लेकिन जब फोन डीएक्टिव होता है, मतलब कि एक्टिव ना कर रहे यूज ना कर रहे हो, तो तब उसका 1000 प्लस आ रहा है, 800 1000 1200। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा आ रहा है ना, यही बात है ना कि जब आपका यहाँ पे एक्टिव होगा तो आपके छोटे नंबर्स आ रहे होंगे यहाँ पे। सर आपने 1/4 नहीं कहा था? नहीं, इस केस के बता रहा हूँ कि इतना बड़ा फर्क यहाँ पे आ रहा है। ठीक है सर, वो कोई 1/4 वाला फॉर्मूला ऐसा नहीं है, वो कह रहा है कि बहुत ज्यादा फर्क होगा, मतलब एवरेज के अंदर अच्छा खासा फ़र्क नज़र आएगा, जो कि आप कह रहे हो कि आपके केस में तो 500 टाइम्स का फ़र्क यहाँ पे आ रहा है। तो वो होता, पता है क्या होता है, ये कि जब आप स्लीप मोड में जाते हो तो डिफरेंट फ़ोन्स डिफरेंट स्पीड डिफरेंट लिहाज से स्लो करते हैं। तो हो सकता है सैमसंग वाले, अगर आपका कितने गीगाहर्ट्ज़ का फ़ोन है यहाँ पर, तो उसको मे बी वो 10 MHz पर चला रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपके पास कोई और कंपनी हो, वो आपको मे बी 100 MHz पर ऑपरेट कर रही हो स्लीप मोड में भी। तो हर कोई डिफरेंट डिफरेंट स्पीड चूज़ कर रहा होता है स्लीप मोड के लिए, तो उसके हिसाब से यहाँ पे RTT की वैल्यू अफेक्ट हो रही होती है। तो वो मॉडल टू मॉडल चेंज हो रहा होता है, लेकिन हमें पता है कि काफ़ी टाइम्स वो कम होगा, यानी कि प्रीवियस वैल्यू के आसपास नहीं होगा, काफ़ी फर्क होगा उसके अंदर। तो ये मेन इसके अंदर यहाँ कि RTT लो होंगे तो मतलब एक्टिव यूजेज है आपके पास, और जब RTT हाई होंगे तो आप एक्टिवली यूज़ नहीं यहाँ पे करें। हालांकि आपको पता है खाली एक सिंगल हॉप का डिस्टेंस है उसका राउटर से, यहाँ पे कोई लंबा चौड़ा राउटर यहाँ पे है नहीं। तो अगर हमें इसका यहाँ पे प्रोग्राम लिखना हो तो हम कैसे इसकी प्रोग्रामिंग यहाँ पे कर सकते हैं कि आपको एक प्रोग्राम खुद से अलर्ट कर दे, मैसेज बॉक्स आ जाए कि अब ये फ़ोन एक्टिवली यूज़ हो रहा है, फिर जब दोबारा से बंद करें तो दोबारा से बॉक्स आ जाए कि अब ये फ़ोन इनएक्टिव हो गया हुआ है। यानी कि हम चाहते हैं कि प्रॉपर स्पाई करें कि कितने घंटे उसने फ़ोन यहाँ पे यूज़ किया गेम खेलते हुए या कुछ करते हुए। तो हम कैसे प्रोग्राम लिखेंगे इसके अंदर, सिंपल हमने उठा कर यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे, इस पार्ट को उठा के हमने वाइल लूप पे डाल देना है, जो कि वाइल आपके पास इन्फिनिट लूप बन जाएगा यहाँ पर। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि जब भी आपके पास कितने परसेंट डिफरेंस आए आपके पास RTT टाइम के अंदर। तो अगर आपके पास, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम प्रीवियस 4 RTTs के एवरेज निकाल सकते हैं हर टाइम पर, कि आपके पास कॉन्स्टेंटली अब RTTs आ रहे होंगे।
तो आपके पास आ रहा है नेक्स्ट वैल्यू आ रही है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो सो ऑन चलते रहेंगे। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो भी लास्ट आपके पास वैल्यूज़ आई हैं उन लास्ट फोर की एवरेज निकाल दो यहाँ पे। जब भी लास्ट फोर की एवरेज चेंज करे 10% से ज़्यादा चेंज हो जाए आपकी, तो समझो कि आपके पास स्टेट चेंज हो गया, टॉगल आया हुआ आपके पास, या तो आप एक्टिव से इनएक्टिव हो गए हो या इनएक्टिव से एक्टिव हो गए हो। तो उस पर देख लो कि प्रीवियस से आपकी वैल्यू कम हुई है या ज़्यादा हुई है। अगर आपकी वैल्यू कम हुई है इसका मतलब आप एक्टिव हो गए हो, अगर ज़्यादा हुई तो आप इनएक्टिव हो गए हो। तो बड़े आराम से हम इसकी प्रोग्रामिंग यहाँ पर कर सकते हैं। साथ हम क्या कर सकते हैं, हम इनके टाइमिंग्स यहाँ पर टाइमिंग्स हम एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर दें कि टाइम अगर यहाँ पर लॉक कर लो उसका टेक्स्ट फाइल नोट पैड की फाइल के अंदर, तो उसके पास क्या होगा, आपके पास पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा कि जी आपको पता होगा दिन के अंदर उन्होंने टोटल यहाँ पर 15 घंटे फ़ोन यूज़ किए, तो बहुत ज़्यादा टाइम हाई टाइम है स्क्रीनिंग का यहाँ पर। तो अकॉर्डिंगली भी आप यहाँ पर कोई करेक्टिव एक्शन ले सकते हो। तो बड़े आराम से हम यहाँ पर स्पाई कर सकते हैं, हालांकि हमने कोई ऐप इंस्टॉल नहीं की हुई, कुछ भी नहीं किया हुआ, तो बड़े आराम से हम यहाँ पर पेरेंटल कंट्रोल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो आपसे अगला क्वेश्चन है कि हम इस काम के लिए आईपी एड्रेस फाइंड कैसे करेंगे, तो आपको बता सकते हैं कैसे हम ये आईपी एड्रेस फाइंड आउट करेंगे कि आईपी एड्रेस है क्या बेसिकली। सर जिसको करना है मतलब कि मोबाइल का आईपी एड्रेस पूछ रहे हैं। जी जी, अगर घर में अपने किसी बंदे का फोन पे स्पाई करना है तो उसका आईपी एड्रेस कहाँ से मिलेगा आपको? सर राउटर से मिल जाएगा जैसे आप कल बता रहे थे। जी जी, एक तरीका तो ये है कि आप PDCL के राउटर की सेटिंग्स पे जाके वहाँ से निकाल लो, तो बड़े आराम से आपको वहाँ पे देखोगे कि इस फ़ोन का मैक एड्रेस के अगेंस्ट क्या आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो उसको। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बड़े आराम से हम यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरा तरीका कि अगर आप यहाँ पर 8 लिख के डैश ए लिखो यहाँ पर, तो कई दफ़ा आपको यहाँ पर भी आईपी एड्रेस के आगे आपको मैक एड्रेस सामने नज़र आ रहे होते हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पर डिफरेंट आईपी के अगेंस्ट यहाँ पर मैक एड्रेसेस लिखे हुए आ रहे हैं। तो ये भी छोटा सा एक राउटर टेबल होता है जो आपके कंप्यूटर में स्टोर हुआ होता है, लेकिन ये इतना फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं होता, लेकिन तो आप कई दफ़ा आपको परफेक्टली एक्यूरेट वैल्यूज़ यहाँ पे भी मिल जाती हैं। तो बेस्ट ये है कि आप PDCL के राउटर की सेटिंग्स में जाकर निकालो, नहीं तो अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो आपको एक्यूरेटली मिल जाएगा, काफ़ी हद तक चांस है यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये वाला प्रोग्राम बना सकते हैं। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि पिंग के डिफरेंट यूजर्स इसके अलावा क्या है यहाँ पर। फिर एक चीज़ होती थी पहले पिंग फ्लड अटैक। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपके कंप्यूटर की बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा हो, यानी कि आपके कंप्यूटर के पास बहुत अच्छी खासी बैंडविड्थ है, CPU पावर बहुत ज़्यादा है, और फिर एक विक्टिम का फ़ोन हो, विक्टिम का कंप्यूटर बहुत पुराना किस्म का हो, उसकी बैंडविड्थ कम हो, CPU पावर कम हो, तो अगर उसके ऊपर हम पिंग फ्लड अटैक लॉन्च कर दें तो क्या होता है, तो वो टोटली उसका कंप्यूटर यहाँ पर टोटली क्रैश कर जाएगा यहाँ पर। तो इसमें हम करते क्या हैं, इसमें एक हम एक हाई बैंडविड्थ वाले कंप्यूटर को, एक हाई CPU पावर वाले कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, पिंग का फ्लड अटैक लॉन्च करते हैं किसी विक्टिम के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पैकेट्स को लॉन्च करेंगे, ICMP के पैकेट्स को एज फास्ट एज पॉसिबल विदाउट वेटिंग फॉर रिप्लाई। तो हम रिप्लाई का वेट ही नहीं करेंगे, बस हम पिंग करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो हमें नहीं पता रिप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा, बस हम पिंग्स भेजते जाएंगे यहाँ पर। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि कंज्यूम ये ना सिर्फ उसकी आउटगोइंग बैंडविड्थ खा जाएगा बल्कि इनकमिंग बैंडविड्थ भी खा जाएगा आपकी विक्टिम की, और अगर उसका सिस्टम स्लो हुआ तो क्या होगा, आप उसके बाकी CPU साइकिल्स भी ढेर सारे खा जाओगे उसके, तो उनका जो फ़ोन हो या उनका अगर कोई और चीज़ होगी तो क्या होगा, काफ़ी उसमें स्लो इफेक्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हो, तो यानी कि काफ़ी हद तक उसका फ़ोन या उसका ये सिस्टम जो होगा स्लो हो सकता है, तो तकरीबन कुछ ना कुछ आपको सिग्निफिकेंट फ़र्क नज़र आएगा यहाँ पे। तो कैसे हम यहाँ पे पिंग फ्लड अटैक कैसे लॉन्च कर सकते हैं, सिंपल आपने क्या करना है, एक ये लाइन लिखनी है वाइल्ड इस लूप के अंदर कि वाइल्ड ट्रू, और नीचे आप वही लाइन लिख दो कि पिंग सेंडर डॉट सेंड, यहाँ पे आपने वही आईपी एड्रेस लिख दिया, यहाँ पे खाली आपने 1 का टाइम आउट लिखा हुआ है, तो 1 का मतलब है कि आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि रिप्लाई आए, आपने बस पिंग सेंड कर दी, फिर आप कह रहे बस मैं टाइम आउट कर दिया साथ ही, तो आपको रिप्लाई इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, इससे आपके पास अच्छा खासा यहाँ पे इसके ऊपर लोड पड़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके पास कोई पुराना सा फ़ोन है जो कि इतना लेटेस्ट मॉडल का नहीं है, जैसे अगर आपके पास 6-7 ईयर्स पुराना का फ़ोन पड़ा हो और उसको अगर हम वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, तो अगर उसके ऊपर अगर हम इस तरह का अटैक लॉन्च करें तो उसके ऊपर काफ़ी आपके पास स्पीड पर फ़र्क पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि उसके ऊपर यूट्यूब वगैरह भी स्लो हो जाएगी, बाकी हर चीज़ स्लो हो जाएगी उसके ऊपर, लेकिन नए फ़ोन्स के ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एक सिंगल अटैक आप यहाँ पर कर रहे हो। तो नए फ़ोन्स पर करना हो तो या तो मल्टीपल अटैक्स लॉन्च करो कि एक दफ़ा आपने यहाँ पे लॉन्च किया हुआ, फिर एक और कंप्यूटर से भी एक और पैरेलल में अटैक लॉन्च करो, 3-4 अटैक्स लॉन्च करो, फिर जाके कुछ फ़र्क पड़ेगा, सिंगल से फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे।
तो पुरानों पे फ़र्क पड़ता है, नए कंप्यूटर्स अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन पर इतने आराम से फ़र्क नहीं पड़ता इसका। तो इसको हम कहते हैं पिंग फ्लड अटैक। तो ये बहुत कॉमनली यूज थी, एक चीज़ हुआ करती थी ज़माने के अंदर जब लोगों के पास स्लो कंप्यूटर्स थे, तो अब इतना ये कॉमन नहीं रहा, लेकिन अभी भी लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ होती है पिंग ऑफ डेथ यहाँ पर। अच्छा, इसमें क्या है, इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है इसकी, कि आपका एक जो IP4 के जो पैकेट होते हैं उसके ऊपर मैक्सिमम साइज लिमिट होगी 65535 बाइट्स की। तो इससे बड़ा हम IP का एक सिंगल पैकेट नहीं बना सकते। तो अब हम, आपको पता है पिंग के अंदर हम क्या करते हैं, पिंग के अंदर हम डिफरेंट पैकेट सेंड कर रहे होते हैं, तो हमने क्या करना है, हमने किसी तरीके से एक लार्जर पैकेट सेंड कर देना है जो कि इससे एक बाइट एक्सीड कर जाए। तो जैसे ही एक बाइट एक्सीड करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे जाके आपके पास वो एक एरर आ जाएगी, वहाँ पे सिस्टम इसका क्रैश कर जाएगा यहाँ पे। तो हमने ऐसा उसकी हेडर्स वगैरह की सेटिंग करनी है, ऐसा पेलोड सेंड करना है कि अब वो क्या करे, तो वो उसके साइज एक्सीड कर जाए तो वहाँ पे जाके वो क्रैश कर देगा उसको। तो ये 2013 तक ये चीज़ चलती रही है। 2013 के अंदर लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को क्रैश किया था IP6 के पिंग के पैकेट्स भेज कर, तो बड़े आराम से क्रैश कर गए थे, लेकिन एक महीने के अंदर ही इसका फिर एक पैच आ गया था यहाँ पे। तो अब ये चीज़ काम नहीं करती, लेकिन पहले बहुत बहुत ही कॉमनली नोन ये था इसका, इसकी वीकनेस थी यहाँ पे, कि आप अगर बड़ा पैकेट भेजते हो तो वो सिस्टम आपके क्रैश कर जाते हैं यहाँ पे। तो होता क्या इसके अंदर हम यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन को ऑफ करते हैं। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन को ऑफ करने का मतलब क्या है, कि अगर आपके पास ये 65536, मैं कह देता हूँ सपोज 65536 साइज का अगर पैकेट है, अच्छा पैकेट होगा आपके पास नेटवर्क लेयर के ऊपर, फिर नीचे आपके पास डेटा लिंक लेयर होगी यहाँ पे। अच्छा, डेटा लिंक लेयर के ऊपर आपके फ्रेम्स बनते हैं। अच्छा, फ्रेम्स अब अनफॉर्चुनेटली इतने बड़े बन नहीं सकते, तो क्या होगा, तो एक पैकेट के यहाँ पे मल्टीपल फ्रेम्स बनेंगे, तो एक फ्रेम नहीं बन सकता, कि आपके पास ढेर सारे फ्रेम्स यहाँ बनेंगे। तो जब हम यहाँ पे, तो जब हम उसके फ्रेगमेंटेशन को यहाँ पे ऑन कर लेते हैं कि आप फ्रेगमेंटेशन कर सकते हो, तो क्या होगा, तो वो डिफरेंट फ्रेम्स में डिवाइड कर लेगा, वरना ये अलाउ नहीं करता डिवाइड करना, कहते नहीं एक ही फ्रेम में जाना चाहिए। तो फ्रेगमेंटेशन की ऑप्शन ये काम करती है। तो अगर मल्टीपल फ्रेम में डिवाइड करना आप उसको अलाउ करो, तो आप बड़े पैकेट सेंड कर सकते हो। तो जब ये सारे फ्रेगमेंट्स यहाँ पे जाके रीअसम्बल होंगे, सारे फ्रेम्स जाके दोबारा रीअसम्बल होंगे, तब उसको पता चलेगा कि ये तो पैकेट की साइज़ बड़ा हो गया 65535 से। तो उस टाइम पे जाके एरर आएगी, तो उसे पहले नहीं पता होगा कि इसमें ये एरर आनी है। तो इसलिए जब वो स्प्लिटिंग होती है पैकेट की फ्रेम्स के अंदर, तो उसको यूज़ करते हुए यहाँ पे ये लोग यहाँ पे पिंग ऑफ डेथ को यहाँ पे डिप्लॉय किया करते थे। तो अगर कोई बहुत पुराना कंप्यूटर पड़ा हो आपके पास, 15-20 ईयर्स पुराना किस्म का पड़ा हो, तो उसके ऊपर मे बी ये चीज़ काम करती हो, लेकिन अब किसी भी मॉडर्न चीज़ के ऊपर ये चीज़ काम नहीं करती, क्योंकि अब सबके सब सिस्टम्स ने अपने आप को अपडेट कर लिया हुआ है यहाँ पे। तो अब ये वाली वीकनेस यहाँ पे काम नहीं करती। अच्छा, फिर लास्ट में एक चीज़ आती है आपके पास, पिंग स्मर्फ अटैक। अच्छा, पिंग स्मर्फ अटैक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का अटैक है यहाँ पे। इसमें सपोज करो कि इसमें क्या करते हैं हम, इसमें सपोज करो कि एक आपका ये विक्टिम है यहाँ पे, ये विक्टिम का कंप्यूटर यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये एक सबनेट का हिस्सा है, तो ये एक सबनेट है यहाँ पर, ये इसका यहाँ पर पार्ट है, ठीक हो गया, और ये हमारे पास यहाँ पर अटैक वाला कंप्यूटर यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये सबनेट से बाहर पड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये क्या करेगा, अगर आपको पता हो कि अगर हम सिंगल यहाँ पे अटैक करें इसके ऊपर, तो आप सिंगल अटैक को इतना अच्छा नहीं होता, कि अगर आप एक पिंग करना स्टार्ट कर दो एक इनफाइनाइटली, तो वो कितना स्ट्रॉन्ग अटैक नहीं है। मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि अगर मैं यहाँ पे पिंग को, अगर मैं पिंग यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पर, सपोज कर मैं पिंग /t लिख कर यहाँ पर ist.pd.tk लिख देता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये इनफाइनाइटली ये पिंग चलती रहेगी फॉरएवर। तो इसको हम कह रहे हैं कि सिंगल एक ना कि मैंने अटैक किया हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये अटैक किसी काम का नहीं है, क्योंकि बहुत स्लो है, IST के सर्वर्स काफ़ी बेहतर हैं इससे। तो अगर मैं खाली इस तरह का अटैक लॉन्च करता हूँ किसी भी विक्टिम के ऊपर, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सिंगल एक एंटिटी इस पर अटैक करिए, तो इससे इस पर कोई लोड नहीं पड़ता। लेकिन अगर थाउजेंड्स ऑफ लोग ये वाला काम करेंगे, तब अच्छा खासा लोड पड़ सकता है इसके ऊपर, सर्वर के ऊपर। तो इस अटैक में क्या करते हैं, इसमें आप एक पिंग का पैकेट बनाते हो यहाँ पे, लेकिन आप क्या करते हो कि आपके पास जो यहाँ पे हेडर था, हम इस हेडर की बात करें, यहाँ पे लिखा होता है सोर्स आईपी एड्रेस, कि इस हेडर के अंदर सोर्स आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखा जाता है कि आपका अपना आईपी एड्रेस क्या है, और फिर यहाँ पे लिखते हैं कि किसको आपने पिंग करना है, ये उसका आईपी एड्रेस होगा। तो इसमें क्या करते हैं, जब ये पैकेट बना के भेज रहा होगा,
तो ये बजाय कि अपना आईपी एड्रेस लिखने के सोर्स में, तो सोर्स आईपी के अंदर वो यहाँ पर विक्टिम का आईपी एड्रेस लिख देगा अपना, तो वह गलत किस्म के पैकेट्स बनाएगा यहाँ पे, तो विक्टिम का आईपी लिख देगा सोर्स आईपी की जगह पर, और उसके बाद क्या करेगा वो इस सबनेट को सेंड करेगा इस सबनेट के ब्रॉडकास्ट के एड्रेस के ऊपर। सपोज करो ये सबनेट जो था यहाँ पे वो 192.168 वाला सबनेट है यहाँ पे, आगे आपके पास होस्ट के बिट्स है यहाँ पे, तो क्या करेगा .255.255 के ऊपर ये पिंग का पैकेट सेंड कर देगा यहाँ पे। तो ये सबनेट क्या समझेगा, ये समझेगा कि ये पैकेट कहाँ से आया हुआ है, विक्टिम की तरफ से आया हुआ है पैकेट यहाँ पे, तो विक्टिम की तरफ से ये पैकेट हर एक के ऊपर ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, तो इसको भी मिलेगा विक्टिम की तरफ से पैकेट, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो अगर सबनेट पे 1000 कंप्यूटर्स पड़े होंगे तो 1000 लोगों को पिंग जाएगी फ्रॉम विक्टिम्स कंप्यूटर यहाँ पे अपेरेंटली। फिर सबके सब उसको रिप्लाई करेंगे, तो फिर क्या होगा एकदम से यहाँ पर 1000 रिप्लाईज आएंगे इन सब की तरफ से यहाँ पे इस विक्टिम के कंप्यूटर के ऊपर। तो क्या होगा फिर इसके क्रैश होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं यहाँ पे, कि एकदम से रिप्लाईज आए यहाँ पे तो रेडी नहीं होता इस काम के लिए, तो वो क्रैश कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस पर बेसिकली उन्होंने क्या किया, इन्होंने अटैक को एम्पलीफाई किया है यहाँ पे, कि आप किसी सबनेट के ब्रॉडकास्ट एड्रेस को यूज़ करो, और आपने क्या करना है, आपने विक्टिम का आई पी एड्रेस यूज़ करना है पिंग करने के लिए, यानी कि आप स्कूपिंग कर रहे हो यहाँ पे, तो उसको हम कह रहे हैं कि आपने स्कूप्ड आईपी एड्रेस यूज़ किया विक्टिम का, फिर आपने सबनेट के ब्रॉडकास्ट पे सेंड कर दिया। तो अब क्या होगा, हर कोई समझेगा कि विक्टिम ने सेंड किया है पिंग का पैकेट उनको, तो हर कोई अपने अपने तौर पे रिप्लाई कर रहा होगा उसको विक्टिम को, तो एकदम से हज़ारों रिप्लाईज उसको यहाँ पे मिलेंगी, तो उससे क्या होगा वो क्रैश कर देगा खुद बहुत, हालांकि आपने सिंगल पिंग का पैकेट यहाँ भेजा है, तो आपने सिंगल वन पिंग भेजी है यहाँ पे, लेकिन मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे मे बी 1000 पिंग के पैकेट्स बन जाए। और फिर ये काम अगर आप रिपीट करते रहो वाइल लूप में डाल दो, तो आपके एक मिनट के अंदर मे बी 1 मिलियन पिंग्स हो रहे हो यहाँ पे, तो इसलिए जल्दी क्रैश कर लेगा विक्टिम यहाँ पे। तो ये अटैक काफ़ी बेहतर है, ये अभी भी पॉसिबल है करना यहाँ पे, तो ये अभी भी जिसको इसको रोकने का तरीका फिलहाल कोई नहीं है, तो ये चीज़ अभी भी यहाँ पे काम कर रही है। जी ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। अच्छा इसकी कुछ मजीद ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे, अगर इसको आप एक्सप्लोर करना चाहो यहाँ पर। यहाँ पे आखिर में एक चीज आती है पिंग ऑप्शंस की यहाँ पे, तो अगर आप पिंग ऑप्शंस के यहाँ पे क्लास बना लो, तो आप मजीद ऑप्शंस पे यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे आप बता सकते हो कि फ्रेगमेंटेशन तो आपने ऑफ कर दें, और आपने यहाँ पे डिफॉल्ट टाइम ऑफ वगैरह चेंज करना, टाइम टू लिव वगैरह चेंज करना हो, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। मतलब बहुत सी चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप लोग। तो अगर आप चाहो तो पिंग ऑप्शंस को भी डिप्लॉय कर लो यहाँ पे, तो आपके पास बड़ी इफेक्टिव यहाँ पे एक पिंग का टूल बन जाएगा यहाँ पे आपके पास। तो इसका इसका मेन मेन मकसद क्या होता है इस पिंग के सॉफ्टवेयर यहाँ पे, तो इसको मेन काम होता है परफॉर्मेंस को जज करना। तो सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पर इसको अगर मैं वाइल लूप में डाल देता हूँ यहाँ पे सारे पार्ट को यहाँ पे, और फिर मैं साथ साथ इसका ग्राफ बनाता हूँ इस RTT टाइम का यहाँ पे, अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर दूँ यहाँ पे, तो बेसिकली मेरे पास क्या आ रहा होगा कि आपके नेटवर्क परफॉर्मेंस का ग्राफ आ रहा होगा उस कंप्यूटर का यहाँ पे, कि कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो पिंग, कितना अच्छा पिंग को हैंडल कर रहा है, यानी RTT की टाइम्स कितने हैं, तो उसके लिहाज से आपको परफॉर्मेंस का ग्राफ मिल रहा होगा यहाँ पे। तो लोग बेसिकली पिंग को यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, तो इस काम के लिए बड़ा अच्छा टूल है कि आपके पास अगर RTT कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होता है कि आपका कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लोड के अगेंस्ट, ये लोड बढ़ता है तो कितना बुरा परफॉर्म कर रहा है, लोड कम होता है कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक आराम से एक एक्सपेरिमेंट आप करना चाहो तो बड़े आराम से कर सकते हो, कि अगर आप ये वाला अटैक लॉन्च करो एक अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर, ठीक है, तो आपके मोबाइल फ़ोन को कुछ भी नहीं होगा, नहीं थोड़ा सा इसमें इसमें एक मॉडिफाई भी करना है आपने, सॉरी ये नहीं करना, यहाँ पे अगर आप वाइल लूप लगा दो और खाली आप RTT टाइम प्रिंट कर रहे हो, तो बाकी लाइंस को यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, बाकी लाइंस ना प्रिंट करो, तो इसका क्या मतलब है कि आप इनफाइनाइटली बार बार आपके पास डिफरेंट RTT टाइम्स यहाँ पे प्रिंट होते जा रहे हैं, तो कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है। अच्छा उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास ये टाइमिंग यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा अगर आप फ़ोन के ऊपर एकदम से यूट्यूब खोल लो
एकदम से आप YouTube खोलो और आप इसके अंदर 1080p वाले रेजोल्यूशन के ऊपर खोलो कि वीडियो, तो क्या होगा आपके RTT टाइम यहाँ पे एकदम से 1 से उठ के मे बी 100 पे चला जाए एकदम से कुछ सेकंड्स के लिए, और उसके बाद दोबारा से 1-2 पे आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा होता है, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे CPU पे लोड पड़ रहा होगा, तो RTT को एकदम से रिस्पॉन्स, सॉरी आपके पिन के पैकेट्स को रिस्पॉन्स नहीं कर पाता क्योंकि YouTube सारे आपके रिसोर्सेज खा रही होती है CPU के, तो आपका RTT का टाइम बढ़ जाता है उस केस में। तो इसका मतलब कि RTT का टाइम आपको क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे, खाली नेटवर्क के हालात रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा बल्कि उसके ओवरऑल यहाँ पे परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं कि कितना अच्छा इसका CPU काम कर रहा है, कितना अच्छा इसकी मेमोरी काम कर रही है, कितना अच्छा नेटवर्क भी काम कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप उस पर लोड डालोगे मोबाइल के ऊपर तो आपकी RTT यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे फ़ौरन से। तो ये भी बड़ा एक अच्छा एक्सपेरिमेंट आप करके यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो कि ये फ़र्क पड़ता कि नहीं पड़ता आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर। तो खाली लूप के अंदर RTT इसको डाल दो, आपके पास प्रिंट होते रहेंगे। या एक आसान तरीका ये आप पिंक विंडोज़ की पिंक को ही आप इनफाइनाइटली डाल दो लूप के अंदर, तो सिंपल वही आप उठाकर यहाँ पे पिंग लिख के यहाँ पे टी के स्लैश करके आगे अपना IP एड्रेस यहाँ पे लिख दो, तो आपको इनफाइनेटली पिंग करता रहेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे YouTube खोलोगे उसके ऊपर तो क्या होगा आपके पास ये इसका रिस्पांस टाइम एकदम से चेंज हो जाएगा, तो आप ये खुद से वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने फ़ोन को पिंग कर लो, तो यहाँ पे देखो कि अभी आपके पास 1-1 का यहाँ पे आ रहा है, 9 का आ रहा है। जैसे आप यूट्यूब खोलोगे तो एकदम से आपके पास जंप कर जाएगा ये टाइम। तो ये भी एक दो एक्सपेरिमेंट्स आप यहाँ पे करके वेरीफाई कर सकते हो। चलें किसी के क्वेश्चंस हैं तो क्लेरिफाई कर लें आप, नहीं तो हम साइन ऑफ करते हैं। सर जी सर ये थोड़ी सी ऑफ टॉपिक बात पूछनी है सर, IST ने डिसीजन लेना था फाइनल एग्जाम्स का, तो सर वो आज है मंडे को है? अभी तक तो डिसीजन कोई नहीं मिला, कोई कुछ भी नहीं डिसाइड किया उन्होंने, मोस्ट प्रॉब्ली मंडे तक ही बताएंगे फिर। ठीक है सर, थैंक यू। चलें सब तो क्लियर है, आई होप सो सब तो क्लियर है। चलें ठीक है, सही है, फिर साइन ऑफ करते हैं। क्विज अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग, और मुझे एक बात बता दें बी वाले, एक बात बता दो आप लोग कि तैमूर आ रहा कि नहीं आ रहा आजकल ऑनलाइन? जी किसी को तैमूर के बारे में पता है कि वो ऑनलाइन अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा? सर वो असाइनमेंट्स तो कर रहा होता है लेकिन सर असाइनमेंट्स तो उसके ग्रुप के अंदर आ रही होती हैं सर दूसरे सब्जेक्ट्स की उसकी। अच्छा ठीक है, सही है, ठीक है, मतलब वो वैसे नहीं अटेंड करता एक्चुअली लेकिन वैसे ठीक है, एक्टिव है। ठीक है चलें जी, ठीक है सर। जी 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 आपकी आवाज आ रही है। सर क्या हम ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम से क्विज अपना थर्सडे वाले दिन कर लिया करें? सर फ्राइडे को एक क्विज भी होता है साथ में, जुम्मा भी पढ़ना होता है तो सर ज़रा मुश्किल हो जाती है। चलो मुझे बता देना फिर पहले ही। चलें सर क्लास के साथ डिस्कस करके तो आपको गुलबाद इन्फॉर्म कर देगा। चलो ठीक है, मुझे फिर पहले ही बता देना। चलें ठीक है, सही। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।